नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रसोई। मैं हूँ सोनल। आज हम बनाएंगे कोकोनट चटनी और मेदू वड़ा। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चटनी के लिए मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके लिए हमें लगेगा कटा हुआ कोकोनट, धनिया पत्ता, कच्चा आम, रोस्टेड चना, शक्कर, जीरा, स्वाद अनुसार नमक। अब हम लेंगे मिक्सर जार, उसमें हम डालेंगे कटा हुआ कोकोनट, धनिया, कच्चा आम। अगर आपके पास कच्चा आम ना हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे रोस्टेड चना, शक्कर, जीरा और स्वाद अनुसार नमक। ये चटनी थोड़ी सी खट्टी मीठी होगी। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। देखिए, इसमें और थोड़ा सा पानी हमें लगेगा। अब इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। हमारी कोकोनट चटनी रेडी है। इसमें मैं तड़का डालूँगी, तेल, राई, कड़ी पत्ता और हींग का। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे डोसा, इडली, मेदू वड़ा किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे एक या दो दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे मेदू वड़ा। इसके लिए मैंने लिए थे अक्खे उड़द दाल। इसे मैंने रात को ही भिगो दिया था और मैंने सुबह ग्राइंड कर लिया है। इसे आपको दरदरा ही ग्राइंड करना है। मैंने थोड़ा सा बैटर अलग से निकाल दिया था। इसमें मैं ऐड करूँगी कड़ी पत्ता, धनिया, ग्रीन चिली और कटा हुआ नारियल। सब ग्रीन चिली नहीं प्रेफर करते, इसके लिए मैंने थोड़ा सा अलग से बैटर ले लिया था। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा नमक और मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, वड़ा बनाने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग चम्मच। उसे इस तरह से उल्टा करके उस पर पानी लगा लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा बैटर। इस तरह से बैटर को आप रैंडमली स्प्रेड कर लीजिए। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम करने। अब इसे इस तरह से उल्टा करके ड्रॉप कर दीजिए। देखिए, इसी तरह से आप बाकी के वड़े भी तैयार कर सकते हैं। हमें वड़े मीडियम आंच में ही तलने हैं। अगर आप तेज आंच में तलेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए, हमारे वड़े अच्छे से पक रहे हैं। इसे गोल्डन ब्राउन तक आप पकाइए। अब इस वड़े को हम सर्विंग के लिए निकालेंगे। इस वड़े को मैंने सर्व किया है जो चटनी हमने बनाई थी कोकोनट की और दाल के साथ। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। And keep watching my channel. Thank you.